अवध में होली खेले रघुबीरा, अवध में होली खेले रघुबीरा। अयोध्या में होली की शुरुआत आज तपस्वी छावनी से शुरू हो गई है। आपको बता दें, बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी की होली आपने देखी होगी, कन्हैया की जन्मस्थली मथुरा की होली आपने देखी होगी, लेकिन प्रभु राम की नगरी अयोध्या की होली भी कहीं से कम नहीं है। आज अयोध्या में सबसे प्राचीन पीठ तपस्वी जी की छावनी पर गंगा जमुनी तहजीब की होली देखने को मिली है, जहां साधु संत के साथ बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार रहे इकबाल अंसारी भी होली के रंग में रंगीन नजर आए और अपने जुबान से फगुआ गीत भी गाते नजर आए। होली खेले रघुबीरा अवध में होली खेले रघुबीरा के साथ साधु संत और इकबाल अंसारी ने एक दूसरे को अबीर और गुलाल लगाया, होली का आगाज किया। दरअसल बसंत पंचमी शुरू होने के बाद ही अयोध्या के मठ मंदिरों में होली का शुभारंभ हो जाता है और रंग भरी एकादशी के बाद अनेक मठ मंदिरों में फूल अबीर गुलाल की होली देखने को मिलती है। आज प्राचीन सिद्धपीठ तपस्वी जी की छावनी पर हिंदू मुस्लिम एकता की होली देखने को मिली है, जहां प्रतिष्ठित मंदिर के संत महंत के साथ होली के रंग में बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी भी रंगों में नजर आए। आज मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद रामनगरी रामघाट श्री तपस्वी जी की छावनी में रामलला की होली मनाई गई, जिसमें तमाम साधु संत धर्माचार्य और यहाँ तक कि जो बाबरी पक्षकार रहे इकबाल अंसारी भी जो है दौड़े दौड़े पहुँचे, वो भी जो है तो रामलला को जो है तो अबीर लगाए। और ये एक प्रेम की होली, मतलब जैसे कहते हैं कि होली माने भगवान के अब हम हो गए हैं, एक समर्पण होता है होली का, मतलब ये समर्पण का सत्यमेव जयते का त्यौहार है। तो आज सब लोग इसमें बड़े उत्साह से सम्मिलित हुए और यह रामलला की होली जो है ये रामराज की होली है और निश्चित रूप से इसका संदेश पूरी दुनिया में जाएगा। हाँ, इकबाल अंसारी भी जो है रामलला को रंग लगा करके रामलला का आशीर्वाद लिए, वो भी खूब साथ में खेले और ये सब एक बड़ा संदेश है कि राम सबके हैं और राम के जो हो गए वही सच्चे हैं और जो राम के नहीं हुए वो किसी काम के नहीं। देखिए, तपस्वी जी की छावनी के मंदिर जो है ये बहुत पुरानी मंदिर है, जहाँ के महंत जो है जगत गुरु ब्रह्मचार्य हैं। आज उन्होंने एक प्रोग्राम होली का जो है किया है, वहाँ सारे साधु संत गृहस्थ सारे लोग इकट्ठा थे और हिंदू मुस्लिम का भाईचारा है, त्यौहार की खुशी है, हम भी गए थे, हम भी होली खेले हैं, सबके साथ में रहे, साधु संतों के रात में रहे। स्वयं जो है अयोध्या में भगवान रामलला विराजमान यहाँ है, वहाँ जो है उन्होंने अपना एक जो है मंदिर है, मंदिर में होली हो रही थी, यहाँ कोई भेदभाव नहीं, कोई भाईचारा है, त्यौहार की खुशी है, उसी में हम भी सम्मिलित रहे। क्या संदेश? हम तो पूरा देश को संदेश दे रहे हैं कि त्यौहार मनाने में हिंदू मुसलमानों का भेदभाव नहीं है, क्योंकि अयोध्या है, अयोध्या में राम राज है, अयोध्या की तहजीब पूरी दुनिया में जानी जाती है, क्योंकि लोग अयोध्या जब आते हैं तो भगवान के बताए हुए रास्ते पर चलें और देखें। अयोध्या में एक साथ भाईचारा है, कहीं किसी का कोई विरोध नहीं है, लोग एक दूसरे से जो है गले मिलते हैं, त्योहारों में सम्मिलित होते हैं, लोग देखें और इबरत हासिल करें।